जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय समस्याओं के पहाड़ ट्विटर के ऊपर टूटना कम नहीं हो रहा है। आपको मेरे चेहरे के ऊपर खुशी दिखी रही होगी, और ये खुशी है उस एक सेगमेंट की जो ये बार बार कहने को मजबूर कर रहा था कि नहीं भैया, ट्विटर अपनी जगह पर पूर्णता सही है। लेकिन अब वही लोग ट्विटर की वकालत करने से बच रहे हैं, क्योंकि ट्विटर अब जिन पचड़ों में फंसता जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि एकदम जो ट्विटर के ऊपर इतने पहाड़ क्यों टूट पड़े हैं, तो वही पिछले दिनों जो एक इंटरमीडियरी की जो इसको एक उपाधि मिली हुई थी कि भैया ये किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, ये तो एक मिडिल मैन का किरदार निभाते हैं, इसलिए ये हर प्रकार की इम्यूनिटी के हकदार हैं, अब वो इम्यूनिटी जो है वो इनसे छीन ली गई। मतलब जो इनको पहले दलाल का एक ओहदा प्राप्त था कि भैया बीच के दल्ले हैं, इधर उधर की पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है, वो ओहदा इनसे छिन गया। अब अगर इनके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की चीज़ होती है तो उसके लिए ये पूर्णतः जिम्मेदार माने जाएंगे। और इसमें का पहला केस जो देखने के लिए मिला था वो था गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में जो बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी काटी गई थी, उस मामले में ट्विटर के खिलाफ जब कंप्लेंट डली थी, वो कंप्लेंट अपने मामलों में पहली थी जो कि ट्विटर इंडिया के खिलाफ पूर्ण रूप से डाली गई थी। और इसी की इस केस में यहाँ इनके जो MD हैं महेश्वरी जी, उनको भी बुलाया गया था, हालांकि वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अब उसके ऊपर क्या कुछ बातें आएंगी कि दूसरे वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये इम्यूनिटी ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से FIR पे FIR के मामलों में वृद्धि होती जा रही ट्विटर के लिए, वो ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। इसके पहले बच्चों से जुड़ी एक संस्थान ने कंप्लेन करी थी, और अभी ये खबर जो सामने आई है उसमें महिला विंग जो है, मतलब जो वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया है, NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उन्होंने भी अब ट्विटर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी। और ये कंप्लेंट किस मामले में दर्ज करी है, क्यों दर्ज करी है, सभी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो देखने से पहले एक चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि आप ट्विटर के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कह के ज़रूर जाइएगा, मन में कुछ भी रख के मत जाना, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये नया मामला क्या निकल कर सामने आया, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। भारत सरकार के साथ चल रहे विवाद के बाद से ट्विटर की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट दिखाने वाले मामले पर संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले में एक माह के भीतर कार्रवाई की भी मांग करी है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बोला है। उन्होंने ट्विटर को कार्रवाई करने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया है। इसके अलावा रेखा शर्मा ने एक पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखा है, और पत्र में उन्होंने मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग भी करी है। प्रेस नोट में बताया गया है कि आयोग ने पहले भी ऐसी शिकायत मिलने पर ट्विटर का ध्यान इन पर दिलवाया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसे कंटेंट के बारे में पता होने के बावजूद ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया है, जबकि ये ना सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी के भी ये ठीक ठीक विरुद्ध है। आयोग ने इस मामले में ट्विटर से कुछ प्रोफाइल की जानकारी साझा की है जहां पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर हुआ है, और ट्विटर को निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर ये सामग्री हट जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो इस संबंध में हुई कार्रवाई के बारे में आयोग को भी बताएं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया था। आयोग ने कहा था कि उनको नाबालिग लड़की को ऑनलाइन धमकी दिए जाने की शिकायत मिली है। इसके अलावा उनको ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी मिला है। दिल्ली पुलिस बुधवार को दर्ज किए गए केस में अपनी जाँच आगे बढ़ा रही। उधर ट्विटर ने इस शिकायत के बाद कहा है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हालांकि ये पॉलिसी में जो जीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा है उसको देखकर लगता नहीं है कि जीरो टॉलरेंस है। बता दें कि इससे पहले NCPCR ने यह मामला उठाते हुए 29 जून 2021 को दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के DCP को पेश होने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। आयोग ने दिल्ली पुलिस के DCP अन्येश रॉय से पूछा था भाई कि पिछले महीने 29 मई 2021 को पत्र लिखने के बाद भी ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ा संज्ञान था जिसमें कि बच्चों से जुड़े हुए मामलों को भी उठाया गया था, लेकिन बच्चों से जुड़े हुए मामलों के ऊपर कोई बड़ी अभी तक इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। ये केस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया था। मामले के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत थी। जानकारी के अनुसार ट्विटर के खिलाफ पॉस्को एक्ट और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित लिंक सामग्री की उपलब्धता का हवाला दिया गया है। शिकायत ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। FIR दर्ज होने के बाद अब संभव है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए जल्द ही ट्विटर इंडिया को नोटिस भी भेज सकती है। बता दें इससे पहले NCPCR ने यह मामला उठाते हुए 29 जून को
दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के डीसीपी को पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा था। आयोग ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी अन्नेश रॉय से पूछा था कि पिछले महीने 29 तारीख को पत्र लिखने के बाद भी ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने एएनआई को बताया कि डीसीपी साइबर क्राइम को ट्विटर के खिलाफ फाइल होने वाली एफआईआर की एक कॉपी के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है। आयोग ने कहा कि ट्विटर ने पोर्नोग्राफिक और बाल यौन दुर्व्यवहार को लेकर एनसीपीसीआर द्वारा की गई पूछताछ के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी, जो पॉस्को अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। उल्लेखनीय है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली पुलिस को अपनी हाल की पूछताछ के आधार पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। आयोग ने पत्र में दावा किया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री आसानी से मिल जाती। आयोग ने यह भी कहा कि ट्विटर पर डार्क वेब टूलकिट भी उपलब्ध है, ऐसे में ये कंटेंट आसानी से सभी तक पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव को लिखी शिकायत में ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर का भी नाम था। बताया गया था कि आयोग को मोहम्मद जुबैर द्वारा ऑनलाइन स्टॉकिंग करने के मामले में शिकायत मिली, जहां नाबालिग लड़की तो धमकियां मिल रही और साइबर सेल द्वारा मामला दर्ज होने के बाद भी ट्विटर उसके हैंडल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आयोग ने कहा था कि वो मामला दर्ज होने के बाद भी मतलब कई तरहों से उनको घेरना चाह रहे थे, पर इस मामले पर संज्ञान किसी ने नहीं लिया। लेकिन अब जब संज्ञान ले रहे हैं, जिसमें कि नाबालिग की तस्वीर सर्कुलेट की जा रही है। साथ ही बाकी बिंदुओं में अपनी बात रखते हुए प्रियंका कानूनगो ने दिल्ली पुलिस से पॉस्को एक्ट की धारा 11, 15 और 19 व आईटी एक्ट व आईपीसी प्रावधानों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया था। अब जो ये सारे मामले निकलकर सामने आए हैं, ये सभी मामले अपने आप में बेहद गंभीर हैं और अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती भी है भारत के लिए और ट्विटर के लिए भी। क्योंकि देखिए, ट्विटर बाहर कैसे भी देशों में किसी भी तरीके से रेगुलेट करता रहा हो, लेकिन भारत में अब जब उसकी इम्यूनिटी छिन गई है, तो जाहिर सी बात है उसको इन सभी चीज़ों को लेकर सीरियस ज़रूर होना पड़ेगा। और अगर ट्विटर इन चीज़ों को लेकर अब भी सीरियस नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ट्विटर के ऊपर इस प्रकार के डंडे पड़ने की जो बारी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे पहले बच्चों से जुड़े मामलों के ऊपर हुआ, फिर महिलाओं से जुड़े मामलों के ऊपर हुआ, तो ऐसे में ट्विटर की अब इम्यूनिटी छिन चुकी है और ट्विटर अब बाकी किसी एक संस्थान की तरह ही भारत में काम करेगा। अब देखिए, जब आप किसी के घर किराए से रहकर अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हो, तो आपको जो आपका मकान मालिक है उसकी थोड़ी तो इज्जत करनी पड़ेगी, जो आप नहीं कर रहे हो। और अगर आप नहीं करोगे तो तलखी बढ़ती जाएगी, और तलखी बढ़ती जाएगी तो फिर आपकी जो थोड़ी बहुत गलतियाँ जो आपकी छुप भी जाती थी ना, वो सभी इसी तरीके से उजागर होंगी। हालांकि ट्विटर भी काफ़ी दिमाग से खेल रहा है और इस चीज़ के बारे में कोई बड़ी प्रतिक्रिया अभी तक निकलकर सामने नहीं है ट्विटर के ओनर की तरफ से भी। तो अब जबकि शशि थरूर इस मामले में ट्विटर को एक बार बुला चुके हैं कि भैया आपने हम लोगों के अकाउंट कैसे ब्लॉक किए, तो इन मामलों के सामने जो कि महिला आयोग और बच्चों की सुरक्षा वाले आयोग ने किए हैं, इनके सामने तो वो कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसे में ट्विटर के ऊपर अगर इन मामलों में कार्रवाई की जाती है, तो वो कार्रवाई तो और भी ज़्यादा बड़ी होगी। पॉस्को एक्ट मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात जो सिंगल कर हमारे सामने ही आ रही है कि भाई ट्विटर के ऊपर आखिर लगाम कैसे कसी जाए कि वो इस तरीके से मतलब कि हर चीज़ में जो होता है ना अपनी एक तानाशाही टाइप की चलाना, वो ना चला सके। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख ही दिए होंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।